एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न प्रोडक्ट्स जो मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ, या होम डेकोर आप बोल सकते हो। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से मंगवाया था जैसे ही हम इस घर में आए थे, वो थी ये लैडर, थ्री स्टेप लैडर। क्योंकि बहुत सारे काम करने में, लाइट लगाना है, फैन क्लीनिंग करना है, शैंडलर क्लीनिंग करना है, किचन में कोई सामान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लैडर हमारे घर के लिए। तो दिस इज द मस्ट हैव प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के हिसाब से आपको कितने साइज का लैडर चाहिए। वैसे मुझे लगता है 3-4 साइज इज इनफ फॉर द मेट्रो सिटीज होम। बाकी आप देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने भोपाल में 5-step लैडर लिया था क्योंकि हमारे घर की वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी जो छत होती है, तो 3-step 4-step काम ही नहीं कर पाता है। तो आप डिपेंड करके आपको किस तरीके की चाहिए आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल फाउंटेन। ये इतना प्यारा, मतलब मेरे को ना, हमने एक बहुत प्यारा सा DIY फाउंटेन बनाया था जो कि काफ़ी बड़ा साइज का था। हम सोच रहे थे छोटा फाउंटेन भी बनाते, विक्की का बड़ा मन था बनाने का, बट वो तो मुहूर्त ही नहीं आ पाया। और उसके बाद मैंने बोला यार कब बना पाएंगे, कब क्या होगा, अभी तो घर भी सेट नहीं हुआ है। तो मुझे ऑनलाइन बहुत ही क्यूट सा गोल्डन कलर के बुद्धा जी एंड बहुत प्यारा सा ये फाउंटेन लगा था, और लाइट वगैरह जलती है इसमें, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, एकदम धीमी धीमी टिम टिम बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा फाउंटेन लगा है। अगर आपको छोटा सा कोई फाउंटेन चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, अमेजिंग सी विंड चाइम। अगेन मुझे एक बहुत प्यारी सी विंड चाइम चाहिए थी जिसमें से बहुत अच्छी महकती हुई आवाज आए। तो मुझे ये ना घर के शेप का, जिसमें बर्ड्स एंड फिश टाइप का कुछ बना हुआ है, ये मिल गया था। तो इसको मैंने अपनी विंडो पे लगा के रखा है। बहुत प्यारी आवाज आती है जब हवा चलती है तो पर्दे से टकरा करके, बहुत अच्छी इसमें से आवाज आती है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये दिखती भी बहुत क्यूट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, इज दिस प्लांटर स्टैंड। ये प्लांटर स्टैंड इज अमेजिंग। ये लगता बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी स्लीक सा है, काफ़ी बड़ा सा प्लांट इसके अंदर आ जाता है, और काफ़ी स्टर्डी भी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो ये मेरे पास 2 ऑलरेडी थे भोपाल में, यहाँ पर जब मैं आई तब मैंने 2 और मंगवाए, 2 का और सेट मंगवाया। तो बेडरूम में भी रखे हुए हैं, यहाँ पर भी रखा हुआ है, तो मैं उसको मूव एंड शफल करती रहती हूँ। सो दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज दिस ब्यूटिफुल लैम्प, फ्लोर लैम्प, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जला करके बैठी हुई हूँ मैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन, मुझे कुछ गोल्डन लैंप में चाहिए था, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि आइकिया का लैंप भी मैं ले सकती थी, बट वो जो आइकिया का लैंप था वो आता था 4,500 कुछ का था, और ये मुझे 2,500 में मिल गया, मतलब हाफ रेट में मुझे मिल गया। तो आई कंसिडर दिस लैंप ओवर आइकिया के लैंप से। हल्का सा फ्लिमजी है, बट मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा उससे कुश्ती लड़ना है, साइड में रखा रहता है, बहुत स्लीक सा है, बहुत प्यारा सा उसका गोल्डन वो है, और मैंने ये ऑरेंज कलर का, आप ये जो ऊपर का जो उसका लैंप केस है, लैंप शेड है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, काफी सारे शेड्स अवेलेबल है, मैंने पर्पसली ऑरेंज कलर का लिया है थोड़ा ब्राइट लुक देने के लिए। सो दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वुडन फ्रेम में जो मिरर है ये है, ये बहुत ही अमेजिंग, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी इतने कम प्राइस में। तो ये बहुत अमेजिंग लगते हैं, आप जैसे मैंने अपने शेल्फ पे लगा करके रखे हैं, आप चाहें तो अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत प्रिटी लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रिटी लगते हैं। तो आप डेफिनेटली इनको कंसिडर कर सकते हैं अपने होम डेकोर में। जैसे अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो अपने फेस्टिव घर को डेकोरेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दे आर अमेजिंग। सो दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, ये है गैस स्टव। तो ये मैंने अमेजन से परचेस करी थी, काफी सारे मैंने इसके रिव्यूज देखे हैं, काफी सारे मतलब तमिल के वीडियोज तक मैंने देख डाले हैं, भले मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, पर इतना तो समझ में आ ही जाता है कि काम कैसा कर रहा है। तो मैंने सारे तरीके के इसके वीडियोज देख डाले हैं, हिंदी में इनके रिव्यूज बहुत कम थे इस गैस स्टव के, बट अमेजिंग गैस स्टव है, आई रियली लव्ड इट। 3 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ, काली भी नहीं पड़ी है, क्रोम फिनिश में है, मॉडर्न लुकिंग गैस है, और मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है। स्क्रैच फ्री है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं, काफ़ी लाइट वेट है और लगती बहुत सही है, मतलब मॉडर्न किचन में आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, दे लुक अमेजिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टैप। तो मुझे ये टैप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इस तरीके का एक टैप आता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, 6,500-7,000 का। मुझे इतना महंगा टैप नहीं लेना था, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना था अभी फॉर नाउ। तो मुझे ये टैप काफ़ी अच्छा लगा दिखने में, एक तो काफ़ी अच्छा लगता है किचन में, उसके बाद मल्टीपर्पज़ है, आप इस तरीके के 2 सेक्शंस आते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस क्लोथ हैंगिंग रॉड।
अमेजिंग है। ये दो हम लोगों ने लगा के रखी, एक तो किचन वाली बैल्कनी में जो यूटिलिटी बैल्कनी है वहाँ पर, और एक हमने बेडरूम वाली बैल्कनी में भी लगा करके रखा है। अमेजिंग प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट घरों के लिए तो ये मस्ट हैव है। मतलब आपका नीचे की जो जगह है ना वो भी पूरी खाली रहती है और ऊपर अपने बढ़िया क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। और अभी तक तो यूज़ कर रही हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस फर्स्ट टाइम मैंने इसको परचेस किया है। पहले के घरों में तो हम वो जो स्टैंड होता है क्लोथ स्टैंड वो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसमें ड्रिल काफ़ी ज़्यादा होता है, ड्रिलिंग विलिंग का काम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं तो हम लोगों ने इसको परचेस किया है एंड अमेजिंग है, अमेजिंग क्वालिटी। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।